तो फाइनली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 का फाइनल एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप सभी को कहां से और किस प्रकार से अपना फाइनल एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, काफ़ी बेसब्री से सभी छात्र एवं छात्राओं ने इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली जो यहां पर एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है, डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउजर को ओपन कर लेना है। सर्च टाइप में सरकारी सेंटर लिखकर आप सभी को सर्च कर देना है। आप जैसे सरकारी सेंटर लिखकर सर्च करेंगे, यहाँ पर होम पेज आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसका लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, वहां पर आप क्लिक करके आप डायरेक्ट आ सकते हैं। आपको क्या करना है, फटाफट से जो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, यहाँ टेलीग्राम पर क्लिक करके जो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए, सारा इन्फॉर्मेशन जो है टेलीग्राम में सेंड किया जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ये दिख रहा है थ्री पट्टी पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग थ्री पट्टी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडमिट कार्ड का कैटेगरी आएगा, इस लिंक पर आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको फर्स्ट में जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बिहार बोर्ड 12th एडमिट कार्ड डाउनलोड 2024, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट जो यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना, आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए जो यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर सारा जानकारी जो यहाँ पर दे दी गई है, आज ही के डेट में जो है यहाँ पर जारी किया गया है। डाउनलोड स्टार्ट डेट जो यहाँ पर देख सकते हैं 20 जनवरी 2024, आपको जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाएगा। जैसे आप रिलीज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र जो है समिति की वेबसाइट पर जारी करने तथा उसे डाउनलोड कर परीक्षार्थियों को वितरण कराने के संबंध में जो है यहाँ पर यह सूचना जारी किया गया है, यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे मैं आप सभी को पता है कि इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2024 जो है दिनांक 1/2/2024 से जो है 12/2/2024 तक जो है यहाँ पर होंगे आप सभी का परीक्षा। देखिए अब ये एडमिट कार्ड जो है किस साइट पर रिलीज किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं seniorsecondary.biharboardonline.com पर जो है अपलोड यानी कि जारी किया गया है, जो दिनांक 31 जनवरी 2024 तक जो है इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर उपलब्ध रहेगा 31 जनवरी 2024 तक। अब जैसे यहाँ पर आएंगे नीचे, जो यहाँ पर यह एडमिट कार्ड उन्हीं छात्र एवं छात्राओं को जारी किया गया है जो सेंटअप यानी कि प्रेषण परीक्षा यानी कि जांच परीक्षा में जो छात्र एवं छात्राओं ने शामिल थे, जो उत्तीर्ण किया यानी कि सेंटअप परीक्षा में पास किए, उन्हीं छात्र एवं छात्राओं का जो है यह एडमिट कार्ड जारी किया गया है। वही छात्र एवं छात्राओं ने जो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा दे सकते, यहाँ पर साफ साफ जो है बताया गया है। जो छात्र एवं छात्राओं ने सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं थे, उनका एडमिट कार्ड रोक दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ जो यहाँ पर जानकारी दी गई है, तो आप यहाँ पर आकर इसको पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर जो है देख सकते हैं। अब जैसे नीचे आएंगे, आप सभी को डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक जो यहाँ पर एक्टिव किया गया है, जैसे मैं आप सभी को पता है seniorsecondary.biharboardonline.com पर जो है जारी किया गया है। अब जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिंक जो है एक्टिव कर दिया गया है, 12th एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक 1 पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये लिंक ओपन हो जाएगा। जैसे मैं देख सकते हैं seniorsecondary.biharboardonline.com। अब देखिए यहाँ पर जो है क्लिक हेयर फोर जो है डाउनलोड डमी एडमिट कार्ड का जो यहाँ पर लिंक है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं बस कुछ ही देर में जो यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड की जो यहाँ पर लिंक जो है एक्टिव कर दिया जाएगा। अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा छात्र एवं छात्राओं का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो कुछ ही देर में जो यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक जो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, यहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दिए गए लिंक पर क्लिक करके जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड, डेट ऑफ बर्थ, नाम डालकर जो है आप डायरेक्ट जो है डाउनलोड एडमिट कार्ड कर सकते हैं और अपना सेंटर देख सकते हैं, आपका सेंटर कहाँ दिया गया है, यदि अभी तक आप सभी को सेंटर पता नहीं है तो आप लोग यहीं से जो है आप लोग बार बार आकर यहाँ पर विजिट करते रहिए, कभी भी जो यहाँ पर लिंक जारी किया जा सकता है। बट यहाँ पर एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया गया है, अगर यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सभी को क्या करना है, कल या परसों से जो है आप अपने स्कूल में जाकर जो है अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आपके कॉलेज से जो है आपको प्रधानाध्यापक जो है सिग्नेचर एवं मोहर जो है लगाकर उस एडमिट कार्ड पर दिया जाएगा, वही एडमिट कार्ड ओरिजिनल रहेंगे और परीक्षा देने के लिए जो वो एडमिट कार्ड मान्य रहेगा। यदि आप डाउनलोड करते तो सिर्फ देख सकते हैं, उस एडमिट कार्ड से एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि उस पर प्रधानाध्यापक का ना सिग्नेचर रहेगा ना मोहर रहेगा। आपको अपने कॉलेज से जो है अपना एडमिट कार्ड को जो है कल परसों से जो है आप लोग अपने कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज जो है सभी कॉलेज से जो है सभी कॉलेज वाले जो यहाँ पर डाउनलोड कर उस पर सिग्नेचर मोहर लगा कर रखेंगे, कल परसों से जो यहाँ पर कल से वितरण स्टार्ट हो जाएगा।